Hey guys, welcome to Karen Corner. तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सैंगची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स की एक पॉसिबल स्टोरी के बारे में। सो सैंगची का जन्म चाइना में होता है और उसके पिता मैंड्रिन है जिनका असली नाम वेनबू बताया गया है। वो और साथ में मिलकर डेथ डीलर सैंगची को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं, उसे निंजा स्टाइल में फाइटिंग सिखाते हैं, साथ में उसे कुंफू भी सिखाते हैं एंड इसी कारण से आगे चल के कॉमिक्स के अंदर सैंगची को मास्टर ऑफ कुंफू भी कहा जाता है। जब सैंगची बड़ा हो जाता है तो फिर उसके पिता उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज देते हैं और वहाँ पे भी सैंगची अपनी ट्रेनिंग करते ही रहता है। साथ ही वो होटल्स के अंदर काम करता है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीता है। लेकिन फिर किसी कारण उसके पिता उसे वापस चाइना बुलाते हैं, लेकिन उसे चाइना बुलाने के लिए सैंगची के पिता डेथ डीलर को सैन फ्रांसिस्को भेजते हैं और वहाँ पे सैंगची और डेथ डीलर की फाइट होती है। साथ ही सैंगची को अपनी बहन से भी फाइट करना पड़ता है एक टूर्नामेंट के अंदर और साथ ही रेजर फाइट से भी सैंगची की वहाँ पे फाइट होती है। लेकिन उसके बाद सैंगची मान जाता है और वो चाइना पहुँच जाता है वापस। लेकिन इस बार चाइना वो अकेले नहीं जाता है, उसकी फ्रेंड केटी भी जाती है और साथ फेस्ट और उसकी बहनें भी जाती है। और चाइना पहुंचने के बाद सैंगची को अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, अपनी डायनेस्टी के कल्चर के बारे में पता चलता है, साथ ही उसकी डायनेस्टी ने कितने सारे वार्स लड़े हैं ये सब उसे पता चलता है और साथ ही उसे 10 रिंग्स के बारे में पता चलता है कि वो 10 रिंग्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। सभी को ऐसा लगता है कि वो जादू ही शक्तियाँ हैं, लेकिन वो कुछ एलियन आर्टिफैक्ट्स हैं वो 10 रिंग्स। फिर सैंगची को पता चलता है कि उसके पिता मैंड्रिन हैं और साथ ही वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए सैंगची और उसके पिता के बीच में काफ़ी सारी फाइट्स होती हैं और उसके बाद इन द एंड सैंगची जीत जाता है। दैट्स ऑल। सो हमें ट्रेलर देखने से बस इतना ही पता चलता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टोरी है, ऐसी सिंपल स्टोरी नहीं होने वाली है। ज़रूरी मूवी के अंदर काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, लेकिन फिर भी हमें ट्रेलर देखने से कुछ इतना ही पता चलता है। एंड सो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो फिर ज़रूर ही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। That's all. Thank you for watching. You're the last one. Complete the mission.